आज हम इस तरह की माला जी बनाने वाले हैं। ये माला जी बहुत ही खूबसूरत लगती है और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलिए हम माला जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माला जी के लिए इस तरह के ऑफ वाइट मोती, इस तरह के पिंक मोती और इस तरह के वाइट मोती चाहिए। अब हम सबसे पहले एक वाइट मोती लेंगे और उसी मोती में से सुई निकाल के उस मोती को लॉक कर देंगे। उसके बाद हम फिर से ऑफ वाइट मोती लेंगे, दो और एक पिंक, फिर से दो ऑफ वाइट मोती और एक पिंक मोती, फिर से दो ऑफ वाइट मोती लेंगे, तो इस तरह से हम 10 बार मोती लेंगे। उसके बाद फिर से हम 4 पिंक मोती लेंगे और जो हमारा पहला पिंक मोती है उसमें से हम सुई निकाल देंगे इस तरह से। अब हम फिर से दो ऑफ वाइट, एक पिंक, जैसे हमने सामने की साइड लिया वैसे ही इस साइड में भी 10 बार लेंगे, तो हमारी दोनों साइड में हो गए। अब हम वाइट मोती छोड़ के पिंक मोती में से सुई निकाल देंगे इस तरह से। अब हम दो ऑफ वाइट, एक पिंक और फिर से दो ऑफ वाइट लेंगे और जो हम एक पिंक मोती छोड़ के जो दूसरा वाला पिंक है उसमें से निकलेंगे इस तरह से। फिर से दो ऑफ वाइट लेंगे, एक पिंक और फिर से दो ऑफ वाइट और एक पिंक छोड़ के दूसरे वाले पिंक मोती में से निकलेंगे इस तरह से। फिर से दो ऑफ वाइट, एक पिंक और फिर से दो ऑफ वाइट लेंगे और एक मोती छोड़ के दूसरे में से निकलेंगे इस तरह से। फिर से दो ऑफ वाइट लेंगे, एक पिंक और फिर से दो ऑफ वाइट लेंगे और एक पिंक छोड़ के आगे वाले पिंक में से निकलेंगे। तो इस तरह से हम 4 बार लेंगे और अब हम बीच वाला भाग बनाएंगे जिसके लिए दो ऑफ वाइट लेंगे, पिंक मोती 4 लेंगे, इस तरह से 4 पिंक मोती लेंगे और जो हमारा पहला पिंक मोती है उसमें से हम सुई निकालेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम बीच वाला भाग बनाएंगे। अब फिर से दो ऑफ वाइट मोती लेके सामने की साइड का एक पिंक छोड़ के जो दूसरा पिंक है उसमें से सुई निकालेंगे। तो इस तरह से हमारा बीच वाला पेंडल वाला भाग बनता जाएगा। अब हम फिर से दो ऑफ वाइट, एक पिंक और दो ऑफ वाइट लेंगे और एक पिंक छोड़ के दूसरे पिंक में से सुई निकालेंगे। तो इस तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। अब हम लास्ट में पिंक में से निकाला था उसे छोड़ के दो ऑफ वाइट और एक पिंक, इस तरह से 3 मोती में से वापस निकल जाएंगे। अब हम फिर से दो ऑफ वाइट और एक पिंक और दो ऑफ वाइट, और आगे वाला जो बीच वाला पिंक है उसमें से निकल जाएंगे इस तरह से। फिर से दो ऑफ वाइट लेंगे, एक पिंक और फिर से दो ऑफ वाइट मोती लेंगे और जो आगे वाला पिंक है उसमें से निकल जाएंगे। फिर से दो ऑफ वाइट लेंगे,
पिंक और फिर से दो ऑफ वाइट और आगे वाले पिंक मोती में से निकलेंगे। अब हम फिर से बीच वाला भाग बनाएंगे जिसके लिए पहले दो ऑफ वाइट मोती लेंगे और चार पिंक मोती लेंगे और जो चार पिंक लिए उसका जो पहला पिंक मोती है उसमें से सुई निकालेंगे। इस तरह से फिर से दो ऑफ वाइट मोती लेंगे और सामने की साइड के जो बीच वाला पिंक मोती है उसमें से निकलेंगे। इस तरह से अब हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे सामने की साइड के जैसे ही। तो हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम एक पिंक मोती छोड़ के तीन मोती में से वापस निकलेंगे, पिंक मोती में आ जाएंगे। इस तरह से ये प्रोसेस सेम करनी है, हर बार लाइन कंप्लीट होने के बाद तीन मोती में से वापस निकलना है। अब हम फिर से दो ऑफ वाइट एक पिंक और दो ऑफ वाइट मोती लेंगे और आगे वाले बीच वाले पिंक मोती में से निकलेंगे। फिर से दो ऑफ वाइट लेंगे पिंक और दो ऑफ वाइट और फिर से आगे वाले पिंक मोती में से निकलेंगे। अब हम बीच वाला पार्ट बनाएंगे जिसके लिए आगे के जैसे दो ऑफ वाइट चार पिंक इस तरह से और जो हमारा पहला पिंक है उसमें से सुई निकालेंगे। और फिर से दो ऑफ वाइट मोती लेंगे और सामने वाले पिंक मोती में से निकल जाएंगे। अब सामने की जैसे ही ये लाइन भी कंप्लीट करेंगे, दो ऑफ वाइट एक पिंक और फिर से दो ऑफ वाइट लेंगे और आगे वाले पिंक मोती में से निकल जाएंगे। इस तरह से लाइन को कंप्लीट कर देंगे और अब फिर से हम तीन मोती में से वापस निकलेंगे और पिंक मोती में आ जाएंगे। इस तरह से तीन मोती में से निकल जाएंगे। अब हम फिर से दो ऑफ वाइट एक पिंक और दो ऑफ वाइट लेंगे बीच वाले पिंक मोती में से निकल जाएंगे। अब हम फिर से बीच में दो ऑफ वाइट मोती चार पिंक मोती जो हमारे चार पिंक मोती है उसका पहला मोती है उसमें से सुई निकाल देंगे। इस तरह से अब फिर से दो ऑफ वाइट मोती लेंगे और सामने वाले पिंक मोती में से निकल जाएंगे। फिर से दो ऑफ वाइट एक पिंक और दो ऑफ वाइट लेंगे और सामने वाले पिंक मोती में से निकल जाएंगे। अब हम फिर से तीन मोती में से वापस निकल जाएंगे
और अब हम दो ऑफ वाइट और चार पिंक मोती ले लेंगे। और जो हमारा पहला पिंक मोती है उसमें से निकल जाएंगे हम। अब हम फिर से दो ऑफ वाइट मोती लेंगे और सामने वाले पिंक मोती में से निकलेंगे। तो इस तरह से हमारी माला जी कंप्लीट हो गई है। अब हम जो ऊपर की साइड जा रहे हैं उस मोती में से सारे मोती में से सुई निकाल के लास्ट में पहुंच जाएंगे। इस तरह से अब हम लास्ट वाले मोती में गांठ लगा के धागा कट करेंगे। इस तरह से गांठ लगा के धागा कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हमारी माला जी बन के तैयार हो गई है। तो ये माला जी बनाना बिल्कुल आसान है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे नए वीडियो आप देख सकें।